और ये भाई हमारे ज़बरदस्त किस्म के नान रेडी हो रहे हैं। बहुत मुश्किल से मैंने पेड़े बनाए और उसके बाद मैंने ओवन में रखा, लेकिन तजर्बा मेरा कामयाब हो गया। क्या बात, ठीक है। सो ये हमारा ईद का नाश्ता रेडी है जी। क्या मज़े का नाश्ता बना है, नहारी पाए, मीठे में सेवइयां और खीर, और नान है भाई गार्लिक नान ज़बरदस्त किस्म के, और इसके साथ लेमन गार्लिक ये चीज़ें तो ज़रूरी हैं। सो बड़े मज़े का सीन लग रहा है और अभी हम इसको टेस्ट करेंगे और उम्मीद है कि बहुत अच्छा टेस्ट बना होगा। ऊपर से डाल जिले ना पाए जी, जिले मुफ्तापा, जिले मुफ्तापा। हाय हाय, क्या मज़े का सीन है भाई, ज़बरदस्त किस्म का। आह, तरी शरी डाल के ज़बरदस्त अनहाइजेनिक, फुल अनहाइजेनिक फूड। बहुत टफ सिचुएशन इस टाइम चल रही है, दोनों के चाचा खोल बराबर हैं और देखते हैं कि कौन जीतता है भाई। जाके इसका दुख सुनना है, सुन ले इसकी बेगम, खुद लगा के दिखाना। अच्छा जी, तो बताओ आज की कैसी गुजरी तुम्हारी पहली तुम्हारी ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में, और कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस, चांद रात का एक्सपीरियंस और फिर ईद का एक्सपीरियंस। सो टेल अस अबाउट योर फर्स्ट ईद इन ऑस्ट्रेलिया। हाँ, बहुत अच्छी गुजर रही है मेरी ईद। मैं वैसे सोच रही थी पता नहीं कैसी गुजर रही, फर्स्ट टाइम फैमिली से दूर था उन चलो, बट अच्छी गुजर रही है। मैं सोच रही थी पता नहीं कैसी गुजरेगी फैमिली से दूर, बट अच्छी गुजर रही है। और चांद रात को बहुत मजा आया, लग ही नहीं रहा वैसे। चांद रात को क्या किया? चांद रात में हम लोग गए स्टॉल्स पे। अच्छा, वहाँ पे मैंने मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ ली, तो वो फुल पाकिस्तानी वाली थी तो पता ही नहीं चला। मुझे तो अभी तक फील नहीं हो रहा कि मैं फैमिली से दूर हूँ, और बहुत अच्छी लग रही है आज भी। तो आज ईद में क्या किया? आज ईद में हमने, वैसे तो मुझे पता है लेकिन मैं वैसे पूछ रहा हूँ, बाकी सबको पता चलेगा। आज ईद में हमने दोबारा फुल देसी ब्रेकफास्ट किया। अच्छा, जिसमें मैंने क्या मीठा बनाया? मीठे में क्या बनाया था? मैंने मीठे में खीर बनाई। अच्छा, नहारी बनाई आपने? कैसी लगी नहारी? मेरे हाथ की मैंने फर्स्ट टाइम नहारी बनाई और आई थिंक बहुत अच्छी, बेस्ट नहारी बनी है, बेस्ट बेस्ट। मैं जैसा मेरे माइंड में जायका था वैसे ही एग्जैक्ट बनी है, कि मैं डिफरेंस नहीं कर सकता कि बेस्ट नहारी जो मैंने पहले कभी खाई हो और जो आज मैंने बनाई, और देयर इज नो डिफरेंस। कॉन्फिडेंट थे कि हाँ यार ये बहुत अच्छी बनी है। यस यस, और बहुत अच्छी बनी है, और पाए जो
बहुत अच्छे बने थे। पाए कैसे बनाए थे? पाए जो मैंने बनाए बहुत अच्छे बने हुए थे। अच्छा, मतलब आप लोग कुकिंग अच्छी कर लेते हो। हमने रगड़ा खाया तीन चार साल हमने ऑस्ट्रेलिया में रगड़ा खाया, मजाक नहीं है। तो इस रगड़े में आपको वो चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते। हर तरह की आपको मैनेजमेंट आती है, कुकिंग आती है, टाइम मैनेजमेंट आती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ पाकिस्तान में जो नहीं है वो टाइम मैनेजमेंट है। वो हम यहाँ के ऐसी सीखते हैं कि वो हमारी यादों से कभी जा नहीं सकती। सो और मैं भी सीख रही हूँ, मैंने कुकिंग पहले कभी भी नहीं की थी, तो अब मैं यहाँ पे आके सीख रही हूँ। हर चीज़ सीख रही हूँ, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। गुड गुड गुड। सो अभी हम लोग साउथ पर्थ हैं और ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत मज़े की जगह है, वन ऑफ माई फेवरेट इन पर्थ। तो सो अभी हम लोग फेरी पे बैठेंगे और यहाँ से हम उस तरफ चलेंगे जो कि उस तरफ सिटी है, तो हम फेरी बैठ कर सकते हैं और इन्जॉय करेंगे।